जय हिंद। भारत से गेहूं खरीदने के लिए आज की डेट में दुनिया के कई सारे देश लाइन में लगे हुए हैं। कई देशों की सरकारें इंडियन गवर्नमेंट से व्हीट एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मांग रही है। उनमें से एक फटीचर और भिखारी मुल्क पाकिस्तान भी है। जिस दिन से भारत जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया, उसी दिन से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते खराब हो गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे से भारतीय सरकार से गेहूं लेने के लिए एकदम गिड़गिड़ा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया, उसी दिन से पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी होनी शुरू हो गई है। और रही कसर चाइना ने पूरा कर दिया, इनके पास खाने का रोटी भारत तक से भीख मांगनी पड़ रही है और इनको चाहिए कश्मीर। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के नए रवेले प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि अपने कपड़े तक बेच देंगे, लेकिन पाकिस्तान के फटीचर भिखारियों को आटा सस्ते में देंगे। अब इन जाहिलों को कौन बताएगा कि भारत से एक बार पंगा लिया तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो और एक बांग्लादेश बन गया, लेकिन अब दूसरी बार पंगा लेंगे तो पता चलेगा दुनिया के नक्शे पर से पाकिस्तान देश ही गायब हो गया। जय हिंद।